एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उस उपदेश में गौतम बुद्ध बता रहे थे कि क्रोध एक अग्नि है, क्रोध एक ज्वाला है, क्रोध एक विष है, क्रोध एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में आप अपना आपा खो बैठते हैं। क्रोध करते वक्त क्रोधित व्यक्ति सामने वाले का नुकसान करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, ये कैसे संभव हो सकता है कि क्रोध आप करें और उस क्रोध की वजह से किसी दूसरे का नुकसान हो? ये तो कदापि नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर होगा कि उस क्रोध की वजह से आप जरूर परेशान होगे, आपकी मानसिक स्थिति जरूर बिगड़ेगी, आपकी शारीरिक अवस्था जरूर खराब हो सकती है। गुस्से में आप कुछ ऐसा बोल या कर जाएंगे जिसकी वजह से आपकी इज्जत भी खराब हो जाएगी। क्रोध मानो इस तरह है कि आप खुद जहर पीना चाहते हैं और उस जहर का असर आप किसी दूसरे के शरीर में देखना चाहते हैं। लेकिन यह कैसे हो सकता है? जब आप क्रोधित रूपी जहर को खुद ही पी रहे हैं तो उसका असर तो आपके ही ऊपर होगा ना। जब गौतम बुद्ध ये उपदेश दे रहे थे, उस दौरान उपदेश देते वक्त गांव के लोगों की एकत्रित हुई भीड़ में एक क्रोधी व्यक्ति बैठा हुआ था। वह क्रोधी व्यक्ति इस बात को सुनकर उसका गुस्सा और भी क्रोधित हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वह अपने आप ही बेइज्जती महसूस कर रहा था कि वह मुझे बेइज्जत कर रहे हैं। गौतम बुद्ध की क्रोध की इस उपदेश को सुनते सुनते क्रोधित व्यक्ति इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि वह उस भीड़ से उठा और गौतम बुद्ध के मुंह पर जाकर थूक दिया। गांव के लोगों और शिष्यगण इस हरकत से भड़क उठे। उनका क्रोध इतना ज्यादा था कि वे लोग उस क्रोधित व्यक्ति को मारने पर उतर आए। लेकिन गौतम बुद्ध ने लोगों को शांत कराया। उन्होंने बड़े ही शांत स्वर में उस क्रोधित व्यक्ति से पूछा, भाई, क्या तुम और कुछ कहना या करना चाहते हो मेरे साथ? वह क्रोधित व्यक्ति बिना कुछ बोले वहां से चला गया। गांव के सारे लोग और शिष्यों ने पूछा कि हे भगवान, वह बुद्धिहीन आपके मुंह पर थूक कर चला गया और आप क्रोधित नहीं हुए, आपको गुस्सा नहीं आया, भला ये कैसे हो सकता है? गौतम बुद्ध ने कहा, क्रोध अग्नि व ज्वालामुखी की तरह होता है। इसके चपेट में आने से केवल अनर्थ ही होगा। उसने अनर्थ अर्थात गलत कार्य किया। अगर उसी की तरह मैं भी क्रोधित हो जाऊं तो मैं भी अनर्थ अर्थात गलत कार्य कर देता। वह व्यक्ति हो सकता है किसी परेशानी में रहा हो, किसी बात को लेकर परेशान रहा हो जिसकी वजह से वह यह गलत कार्य कर रहा हो। गांव के सारे लोग गौतम बुद्ध की बात को भलीभांति समझ गए और अपने गुस्से को शांत कर लिया। फिर अगले दिन गौतम बुद्ध दूसरे गांव में अपना उपदेश दे रहे थे। उसी दौरान वह गुस्सेल व्यक्ति गौतम बुद्ध के चरणों में आकर रोने लगा और कहा, हे महात्मा, अभी मेरा गुस्सा शांत हो गया है। मैंने कल जो अनर्थ कार्य किया था उसकी वजह से मैं बहुत पछता रहा हूँ। मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं किसी पर गुस्साया और वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला तथा नाराज भी नहीं हुआ, जबकि जो हरकत मैंने की उस हरकत पर तो कोई भी मुझे मारने के लिए दौड़ता। कल रात से मुझे नींद नहीं आई है, सुबह से मैं आपको खोज रहा हूँ, खोजते खोजते आपके चरणों में आकर गिर पड़ा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। गौतम बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उस बात को कब का भूल चुका हूँ। मैंने तो उस वक्त भी उस बात को गौर नहीं किया था जब तुमने मेरे मुंह पर थूका था। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि आप महान हैं, इतना सारा हो जाने के बावजूद भी आप मुझसे नर्म स्वभाव से बात कर रहे हैं, मेरा दोष देने के बजाय मेरे दोष का बचाव कर रहे हैं। इस नासमझी क्रोध की वजह से हुए पाप के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। गौतम बुद्ध जी ने कहा, तुम्हारा पश्चाताप तुम्हें तुम्हारे क्रोध की अग्नि से मुक्ति दिला दी है, जाओ सुखी रहो।
इस कहानी से हमने क्या सीखा? दोस्तों, क्रोध करके हम अपने दिमाग को खराब करते हैं। क्रोध करके हम अपने जबान से कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। क्रोध करके हम बेवजह किसी से झगड़ा कर लेते हैं। क्रोध करने से हमारे द्वारा की गई निरंतर कार्य को घंटों तक, दिनों तक, सप्ताह तक, महीनों तक या फिर सालों तक उस बात को लेकर परेशान रहते हैं। कई बार तो हम गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारे मृत्यु उपरांत ही खत्म होता है। हम जब किसी भी सही या गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तब हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा होता है और हम क्रोध करने लगते हैं। लेकिन उस क्रोध गुस्से से नुकसान किसका हो रहा है? अगर आप किसी भी बात से या किसी को कुछ कहने से गुस्साते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कर रहे हैं। उस गुस्से की वजह से सामने वाला व्यक्ति जो आपको कुछ कहकर या सुनाकर जिसकी वजह से आप चिड़चिड़ा कर क्रोधित हुए, वह तो चुपचाप चला गया, उसे जो करना था वो कर लिया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो क्रोधित होकर खुद का ही नुकसान कर रहे हैं, मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से। जिस बात पर आप क्रोधित हो रहे हैं, उस बात को आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचने और समझने की कोशिश करिए। सच में कह रहा हूं, आप क्रोधित होना छोड़ देंगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी वजह से केवल और केवल खुद का ही नुकसान होगा और किसी का नहीं।